आदाब एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम बना रहे हैं चने की दाल की खिचड़ी। तो ये मैंने 1 कप चने की दाल ले ली है, अब इसे हम धो के उबालेंगे। ये देखिए मैंने चने की दाल धो के उबलने के लिए रख दी। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि बाद में हम चावलों के साथ भी डालेंगे। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें दाल हमारी उबल गई है, अब हम इसे हटा देंगे। ये 3 कप चावल ले लिए मैंने, अब इन्हें साफ़ करके धो के भिगाऊंगी। ये 1 दरमियानी साइज की प्याज काट ली है मैंने, बर्तन धो के चढ़ा दिया है। अब इसमें हम 1 कटोरी तेल डालेंगे। ये 1 कटोरी तेल डालें, तेल हमारा हो गया है। अब हम प्याज डालेंगे। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएगी, अब गोल्डन हो जाएगी, प्याज हमारी जब गोल्डन हो जाएगी, लाइट ब्राउन हो जाएगी, तो फिर हम इसमें दाल डालेंगे। प्याज हमें देखेंगे लाल हो गई है, थोड़ी सी मैंने निकाल ली है। अब इसमें हम दाल छानी कर नीचे हाथ करके छानी कर दी है मैंने सारी। ये देखें दाल डाल दी है। अब ये लहसुन अदरक है, ये देखें ये कद्दूकस कर लिया था मैंने, ये डाल दी मैं। ये नमक डाल ली हूँ, 1 से 1.5 चम्मच डालूँगी, आप अपने हिसाब से डालिएगा नमक कितना आप खाते। अब पानी शामिल करेंगे, चला दें, इसमें पानी डाल लेंगे। पानी डाल दिया 1 प्याला। अब ये जब खौल आ जाएगी तो चावल डालेंगे इसमें। ये देखें खौल आ गई है, अब इसमें हम तेजपात डालेंगे, 2 कड़ी पत्ता डाल दिए है हमने, बड़ी चम्मच बड़ी है। अब हम इसमें चावल डालेंगे, फिर एक आँच हल्की कर देंगे। ये चावल मैंने धो के भिगा दिए थे, मैंने इसका पानी फेंक दिया। अब हम चावल डालेंगे इसमें, इसमें चावल डालेंगे। ये देखें चावल डाल दिए थे मैंने, इसमें खौल आने लगी है। जब अच्छे से ये खौल जाएंगे, ये पानी नीचे बैठ जाएगा, तो फिर हम चूल्हे की आँच हल्की कर देंगे और इसे ढक देंगे। अच्छे से मैंने चला दिया। ये देखें चावलों का पानी नीचे बैठ गया है, हम चूल्हा इस तरह कर देंगे और इसे ढक देंगे और धीमी आंच पे पकने। ये हम खोल रहे हैं, ये देखें हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। बंद कर दिया, अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए हमने प्लेट में निकाल ली है चने की दाल की खिचड़ी। कुछ लोग इसे चने की दाल का पुलाव भी कहते हैं, तो आप चाहें तो चने की दाल का पुलाव भी कह सकते हैं। तो आज जो रेसिपी थी वो थी चने की दाल की खिचड़ी या चने की दाल का पुलाव। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी, इसे घर पर ज़रूर बनाइएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, जल्दी से फटाफट से तैयार हो जाती है। इसे मैंने सर्व करा है लाल चटनी के साथ। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, चने की दाल की खिचड़ी या चने की दाल का पुलाव।